Landing a vehicle on rough horizontal plane. रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बेंडिंग जब होती है तब क्या फिनोमिनन बनता है? ध्यान से आप समझिए, एक रास्ता है, एक ये रास्ता है और इस रास्ते पर एक घुमाव है, एक बेंड है, मोड़ है एक, और आप यहां मुड़ रहे हैं। मैंने इसको बनाया एक व्हीकल, ये व्हीकल है और दिस इज द वेलोसिटी, आगे बढ़ रहा है, चलते हुए आगे बढ़ रहा है ये व्हीकल आपका। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो एक सर्टेन सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर ये मूव कर रहा है, इट इज मूविंग ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट रिक्वायर अ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए इसको। इस केस में कौन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स यहां? अब मैं माइक को, द फ्रिक्शन बिटवीन द, यस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो यहां हम क्या कहेंगे, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगता है हियर, जब तक ये इंक्लाइंड नहीं है और प्लेन है ये, तो सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है। अब कितनी कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स सेंटीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू आर, और सेंटीपिटल फोर्स कौन सी है, कितनी होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। म्यू कितना होगा, देखो म्यू आर कितना होगा यहाँ, अब म्यू के लिखूंगा मैं से क्योंकि बॉडी मोशन में है, आर कितना होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लगा हुआ है, इस टाइम जो व्हीकल है आपका, ये आपकी व्हीकल या जो भी गाड़ी है कार है जो भी है, ये इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो फिर सीधी सीधी सी बात है, कुल मिलाकर के इसका जो वेट है वो वेट एग्जैक्टली किसके अपोजिट है, वेट एग्जैक्टली अपोजिट है नॉर्मल रिएक्शन के। हालांकि ये काम करेगा टायर्स पर लेकिन मैंने बीचों बीच बना दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो म्यू के एम जी इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एम यहां से कैंसिल कर दीजिए तो फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू के जी आर, म्यू के जी आर एंड वी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के जी आर, ये आपका बन गया मीटर पर सेकेंड, या दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अ व्हीकल कैन पास द टर्न विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप हुए बिना, फिसले बिना पार होने के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, म्यू के जी आर या इस वेलोसिटी से कम हो। और कभी आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि स्पेशली जो हिल्स हैं, हिल एरिया है, वहाँ यहाँ साइड में बोर्ड लगा हुआ होता है, यहाँ साइड में अक्सर बोर्ड लगा दिया जाता है, इसके ऊपर लिख दिया जाता है 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्यों लिख दिया जाता है, वहाँ तो ऐसा है ही नहीं बात कि बहुत हैवी ट्रैफिक हो, बहुत हैवी ट्रैफिक तो है नहीं, या तो खुली सड़क है भागे चले जाओ, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर इसलिए लिख दिया जाता है कि अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो फिर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है,
ये आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा और वेलोसिटी आपकी जरूरत से ज्यादा हो गई तो फिर फिसलने के चांसेस है। और ये आपने अक्सर देखा भी है, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ है, म्यू के की वैल्यू बदल गई, जितनी कीचड़ है उसके हिसाब से म्यू के की वैल्यू जितनी सूखी सड़क पर होनी चाहिए उससे बहुत कम है। जब म्यू के की वैल्यू कम है तो आपके मुड़ने की स्पीड भी मैक्सिमम स्पीड कम हो जाएगी, और आप थे बहुत जल्दी में, तेजी में आपने टर्न लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाया और गिर गए। जितना कम होता रहेगा म्यू के, उतनी ही कम स्पीड पर आप टर्न ले सकते हैं सेफली विदाउट स्लाइडिंग डाउन। यह है आपकी मैक्सिमम स्पीड हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल रफ रोड पर, जिस मैक्सिमम स्पीड से आप रेडियस आर का टर्न ले सकते हैं। रेडियस आर बड़ी करके भी आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज पर जो ब्रिज बने होते हैं, और ब्रिज पर अगर कहीं टर्न है तो बहुत बड़ा टर्न बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि सीधे एकदम खटाक से मोड़ दिया जाए, बहुत बड़ा टर्न बनाया जाता है। बहुत बड़ा टर्न इसलिए बनाया जाता है कि आर की वैल्यू बहुत लार्ज रखेंगे तो फिर अच्छी तेज स्पीड से भी वहां से पास किया जा सकता है। अगर छोटा सा मोड़ बना दिया किसी पुल के ऊपर, हल्का छोटा सा टर्न बना दिया तो आर की वैल्यू कम होगी तो वहां स्पीड बहुत कम रखनी पड़ेगी, और अगर कोई सरफिरा ना करे अपनी स्पीड कम तो पुल के नीचे गिर जाएगा फिसल करके, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिल पाएगी। और स्पीड कम करेंगे तो कंजेशन भी बढ़ सकता है रोड के ऊपर, पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, जो भी आपका मोड़ है, तो इसलिए बड़ा सा घुमाव लिया जाता है पुल बनाते टाइम, और ताकि काफी अच्छी कंसिडरेबल लार्ज स्पीड से उस पुल को क्रॉस किया जा सके।